प्रभात बच्चों, अभी तक हम लोग वर्णमाला के बहुत सारे अक्षर पढ़ चुके हैं, तो अब आज हम उसे अभ्यास कार्य सीखेंगे। ठीक है बच्चों, सबसे पहले सबसे आपका मन पसंदीदा जोड़ कर लिखें। कैसे जोड़ कर लिख रहे हैं बच्चों? खा और ता मिलकर क्या बन रहा है? खत। खा और ता मिलकर खत, जिसे हम हिंदी में चिट्ठी और अंग्रेजी में लेटर भी कहते हैं। अब देखिए बच्चों, बा और जोड़ और सा, बा जोड़ सा क्या बन गया? बस। फा जोड़ सा और जोड़ ला क्या बना? फसल। ठीक है बच्चों, फसल जो खेत में उगाए जाते हैं। वा और जोड़ और ना क्या बना बच्चों? वन, जिसे हम अंग्रेजी में जंगल भी कहते हैं। अब पांच नंबर देखिए बच्चों, खा जोड़ टा जोड़ मा और जोड़ ला खटमल, जिसे खटिया में रहना बहुत पसंद है। अब देखिए बच्चों, खाली जगह भरेंगे। खाली जगह में हम विध उचित वर्णमाला ही भरते हैं, जिसका कोई मतलब निकले। तो का के बाद क्या लिखेंगे बच्चों? ला। अगर हम का के बाद ला लिखेंगे तो ये कलम बन जाएगा। अब आप देखिए दो नंबर, वा के बाद क्या लिखेंगे बच्चों? अगर हम वा के बाद ना लिखेंगे तो ये वन बन जाएगा, वन मतलब जंगल। तीन नंबर में देखिए बच्चों, अगर हम का के बाद मा लिखेंगे तो ये कमल बन जाएगा। पा के बाद क्या लिखेंगे? रा, पर। और रा के बाद क्या लिखेंगे बच्चों? सा, रासा रस, जो कि गर्मी के दिन में हम लोग पीते हैं। अब यहाँ देखिए, ये भी आपका बहुत पसंदीदा है बच्चों, मिलान करें। क्या है ये? जला जल। तो जल में कैसे मिलान करेंगे? यहाँ मिलान करेंगे, कमला कमल। तो कमल में कैसे मिलान करेंगे? ऐसे मिलान करेंगे कमल में। फला फल, देखिए बच्चों फल यहाँ है। और खत खत, यहाँ खत में मिलान करेंगे। और ये लिखा हुआ है खटमला, तो खटमल में यहाँ मिलान करेंगे। इस तरह मिलान करके और ये अभ्यास कार्य आप अपने रफ नोटबुक में भी अभ्यास कर सकते हैं।